बहराइच में भेड़िए के खौफ के बाद अब बाढ़ का यहाँ पर आतंक है। लोग बाढ़ से डरे हुए हैं, भयभीत हैं। 13 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर लोग अपने आशियानों को, अपने घरों को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। यहाँ पर दर्जनों ऐसे घर हैं जो लोग तोड़ चुके हैं और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो तोड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, उनका दर्द आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है, यहाँ पर एक मकान बना हुआ था पक्का, उस पर छत पड़ी हुई थी, अभी इसको आज ही तोड़ा गया है। वो इसलिए कि ईंट पत्थर तो बच जाएंगे, ऐसा ना हो कि वो ईंट पत्थर भी चले जाएं, तो कुछ ना कुछ हाथ में लग जाए। ये इसको लेंगे, ट्राली पर, नाव पर, जैसे भी हो पाएगा इसको ले जाकर बांध पर रखेंगे। और अगर गंगा मैया ने चाहा, अगर बाढ़ का पानी कम हुआ तो हो सकता है शायद ये फिर अपना आसियाना बना पाए, वरना तो इसको भूल ही जाएं। यहाँ पर एक चाची मौजूद हैं जिनका ये घर है, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा किरण नाम है। और ये घर, ये सुनिए सुनिए, ये घर आपका था? हाँ, आपका घर है यू। और यहाँ भेड़िया बहुत हैं, अब यहाँ कोई जंगल में है लेके जो सामान छोड़ो, और वहाँ जाए के लड़का बच्चन कहाँ लुकवा लो, कोई यहाँ व्यवस्था घर बनाओ देते ना। बहुत से घर टूट गए, बहुत से घर बाढ़ में। आपने भी तोड़ा अपना घर? हाँ, आपने बूते तोड़ा है, यहाँ कोई व्यवस्था ना है, लेकिन कौनी मेर के कुछ ये बताइए, इसको जब आपने तोड़ दिया, इसको जब बनवाया था तो कभी सोचा था कि इसको तोड़ना पड़ेगा? हाँ, ना सोचा तोड़ना पड़ेगा, नदी यहाँ से काफी दूर है, कटान में लग गई है। जो हमको काटना हो तो यहाँ बनवाई कहे का, लेकिन अब हमको कोई बसे के कोई जब आपने इसको तोड़ा तो कैसा दर्द? अरे बहुत सी दर्द भाई, लेकिन अब क्या करी, कोनी मेर कहीं चार ईटा निकल जाए तो अपने बच्चों को कहूँ बचाएंगे, इसलिए तोड़ लिया थोड़ा बहुत। और जंगल में सामान कुरवा है, वहाँ इतनी भेड़िया लागत है, ना हमारे यहाँ कोई उजेर के व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई उपलब्ध है कि कौनो सरकार कोई सुनता ही नहीं, ना पंच सुने, ना खाना पानी कैसा चलता है? खाना पानी के बहुत बड़ी तकलीफ है, ना पिसाए कुटाए मिले, ना कुछ, इतना जो तेज धारा चलत है कहाँ ले चले जाए, कोई मेर के बच्चन का जियावा जाता है, इतनी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोई सुनता ना है यहाँ पर। प्रशासन तो किट वगैरह दी है? प्रशासन तो यहाँ हमको कुछ नहीं मिला है। हाँ हाँ, सड़क पर लड़कन कौन मेरे सामान कुरवा है, अब बीच धारा में है, जान लो कि लड़का बच्चा लिए परे हैं, तनिक सी दुई विश्वा जगह खुला है, यह पर तखत पर यहाँ अपने बच्चन को जियाते हैं। अगर अब ये बच जाएगा तो कौन तरीके से इनको जियाएंगे, लेकिन ना यहाँ कोई सुनवाई हो, उजेर की कोई व्यवस्था ना है, तुरुजा प्लेट के कोई व्यवस्था ना है, बिजली बत्ती के। हाँ, बहुत बड़ी परेशानी। बताइए, ये जो घर आपका था ये कितने सालों से बना हुआ? इनका बने हुएगी कम से कम 10 साल। तो कभी यहाँ तक पानी नहीं आया, अब की बार ही आया? अब की बार हवा है, आता रहा पानी, लेकिन लग पड़ोस से घूम जाता रहा, लेकिन आप भी घर हमारा कटान में लग गया। हाँ, कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा? अभी कभी नहीं सोचा, ऐसा जो सोचा तो यहाँ इतना काहे वित का बनवाई थी, इतना काहे वित का हम ये सब करी, कोई सोचा था कि हमारा सामान गिर जाए तो नदी के किनारे काहे बना हुए, नदी यहाँ से घाघरा काफी दूरी थी। क्या नाम बताया आपने? किरण। तो ये हिरण जी थी, उनका ये आसियाना था, 10 सालों से बना हुआ था, पर छत भी पड़ी हुई थी, लेकिन पानी की कटान इस कदर की यहाँ पर पहुंची कि उनको अपने हाथों से हथौड़ा लेकर अपना घर गिराना पड़ा। क्या दर्द, क्या तकलीफ उनको हुई होगी इस आसियाने को गिराने में। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये लोग भी यहीं के निवासी हैं और इन लोगों का घर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है। क्या नाम है आपका? बोल बोलो, तुम बोलो। आपका क्या नाम है? तुम बोलो। राम नरेश जी, किस तरह की दिक्कत है आपके गांव में? बड़ी दिक्कत है। इस डेम साहब आते हैं, कहते हैं बारू रेता में आप लोगों को घर धरने की आवश्यकता नहीं है, घर धरने नहीं देते हैं, और 14 साल से घर सो बने हैं बाहर के, तहसील एक गांव समाज बेच लिया। तो ये बताइए, पूरी तरीके से गांव में आपके पानी आ गया है, कैसे आप लोग रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, बच्चों को कैसे रखते हैं? पलका पर यहाँ रखा जाता है बच्चन की, है वह पर खाना बना था, खेत पात भी था। हाँ, सब नदी में कट गया धान और सब। कैसे जीवन यापन करेंगे? अब ऐसे जीवन काट रहे हैं, कोई सुरक्षा सरकार करे। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दें, ये जो मकान अभी इन्होंने अपने हाथों से गिराया है, ये पूरी तरीके से यहाँ से 1 किलोमीटर दूर घाघरा है। मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार इस घाघरा को दिखा दें, और 1 किलोमीटर दूरी से घाघरा शुरू होती थी, लेकिन आज की स्थिति यहाँ पर यह है कि घाघरा बिल्कुल इन ग्रामीणों के घरों के किनारे आ चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी, प्रशासन कब जागता है और इन ग्रामीणों को कब सुरक्षा देता है। बहराइच के महसी क्षेत्र से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।